नमस्कार। और संपत बाई बताती हैं कि वह भी अपने बेटे शंकर दयाल को भैया कहती थी। राष्ट्रपति बनने से पहले आपने देश के दूसरे कई बड़े पदों को भी संभाला। शंकर दयाल जी ने अपनी शिक्षा देश व विदेश की यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। इसके साथ
शंकराचार्य ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्र रत्नम उपाधि दी थी। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कानून की पढ़ाई और उसमें योगदान के लिए डॉक्टर शंकर दयाल को द लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ के अवार्ड से सम्मानित किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में हम आपको कई बातें बता रहे हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो डॉक्टर शर्मा को बहुत नजदीक से जानते थे। हम उनसे भी सुनते हैं ऐसी बातें जो आपने और हमने नहीं सुनी। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और जिस काम को करना बहुत लगन से करना, ईमानदारी के साथ करना। राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद जो उनका कार्यक्रम भोपाल में रहा तो आप इस वाक्य से उनके सोच को समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी चाह ये नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई छाप छोड़ूं, बल्कि मेरी चाह ये है कि मैं जस की तस चदरिया सौंपूं। जब भोपाल के प्रतिनिधि वो बने तो उन्होंने कहा कि भोपाल के लिए मैंने जो कुछ किया वो कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे आप सब लोग इतना आशीर्वाद दें कि आपका मस्तक शर्म से झुक ना पाए। अब हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की रोचक कहानियां जारी रहेंगी।